बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जा चाहूँगा, ज़रा सी तवज्जा चाहूँगा। जो प्रेजेंटेशन दी है माशाल्लाह से आप लोगों के लिए तो तालियां हम लोग रही है नहीं बजाएंगे आपको, इसका मतलब ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन है। अच्छा मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वक्त कई तरह के ट्रेनिंग आने वाले दिनों में आप लोगों के पास आ रही है, जैसा कि आने वाले दिनों में इसी तरह असिस्टेंट की एक ट्रेनिंग और आएगी जो कि 3 से 5 महीने की भी हो सकती है, वो है सेसनोफ की ट्रेनिंग। सेसनोफ कितने लोगों ने सुना है? सेसनोफ नहीं, सेसनोफ SESLO है जो कि सिर्फ एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि SLO स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कितने लोगों ने सुना है? अच्छा स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो है कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक में और दीगर किताबों में देखा है? SLOs लिखे होते हैं, कितने लोगों ने देखे हैं? सब लोगों ने देखे हैं। इसका मतलब ये कि इस वक्त जो है एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोगों को स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसका आउटकम जो है वो चेक करना है, असिस करना है कि आया वो जो आप लोगों ने IELTS SLOs सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। ये जो आपकी जो एक्टिविटी हुई है इसका पूरा जो मकसद है वो इसी के तहत इसके दरमियान ढूंढना है कि हम लोग जो आइटम डेवलपमेंट करते हैं, जो सवाल करते हैं, जो टेस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं वो जो हो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के तहत हो। ब्लूम्स के जो 3 डोमेन हैं शायद के आप लोगों को याद होंगे, जो कि पहला डोमेन वो बताएगा कॉग्निटिव डोमेन का, दूसरा अफेक्टिव डोमेन का और तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन का, यानी कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। इन तीनों को जो है बच्चे की पहले नॉलेज होगी, फिर उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर जो है उसकी जो है वो एप्लीकेशन करेगा। तो इस तरह जो हम जो सवाल बच्चे से पूछेंगे वो भी इसी के दरमियान के होंगे। तो आप लोगों से ये हम तवक्कुल रखते हैं कि आप लोग जब भी आइटम डेवलप कर रहे होंगे, सवाल बना रहे होंगे, इम्तहान ले रहे होंगे, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत बहुत।